पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस विभाग और आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महानगर में शराब की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अवैध शराब की फैक्ट्री में 56 लीटर स्प्रिट के साथ बड़ी मात्रा में शराब बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस को सूत्रों के हवाले से शहर में अवैध शराब की फैक्ट्री चलने की जानकारी हुई, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम के साथ मिलकर पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री में 56 लीटर स्प्रिट, 27,000 जिंदा ढक्कन, 43,000 रैपर, 56 QR कोड के साथ दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। ये आज आबकारी एवं थाना गणशीर की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर एक घर पे छापा डाला। वहां से मौके से इन्हें 56 लीटर स्पिरिट, 96 बोतल खाली प्लास्टिक की बोतलें बरामद हुई, 43,000 लेवल तथा 27,000 ढक्कन और 59 QR कोड इनके पास से वहां पे मिले। ये अवैध रूप से वहां पे शराब बनाई जा रही थी। मौके से दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। कुछ व्यक्ति वहां से फरार हो गए। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे इसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।